इन दिनों बिजली के शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले के गुन्नौर तहसील अंतर्गत कटवरिया गांव से सामने आया, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण आटा चक्की की दुकान जलकर खाक हो गई। घटना गुन्नौर तहसील ग्राम कटवरिया की है। घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा डायल 100 को बुलाकर आग लगने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड देवेंद्र नगर से बुलवाया, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आटा चक्की के मालिक राजकुमार द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि लाइट का शॉर्ट लगने के कारण दुकान में आग लगी है, जिसमें लगभग उसे 1 से 1.5 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। विराट 24 न्यूज के लिए पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। आग लगी घर में। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान में चक्की नुकसान हो गई, 2 मोटर रखी थी, 4 क्विंटल गेहूँ, घटिया, पलका, गद्दा और तमाम पेंच पाना जो कुछ था सब खत्म हो गया। लगभग 1.5 से 2 लाख घटिया, पलका, 2 पंखे। आग बुझाने के लिए आपने क्या प्रयास की? आग बुझाने के लिए पहले गांव वालों ने मदद की, फिर उसके बाद में दमकल की गाड़ी को फोन लगाया, दमकल की मशीन आई, टंकी आई और 100 नंबर को बुलाया गया, 100 नंबर आई। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजकुमार द्विवेदी।